आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल वन लाइफ फैमिली में। तो गाइस आप देख सकते हैं आज हम पुराने कपड़ों से गेंदरा बनाने वाले हैं और ये जब न्यू था तो इसका प्रयोग हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं साड़ी, ये साड़ी का प्रयोग हो चुका है। उसके बाद हम लोग फिर से दोबारा इस पुराने कपड़ों का फिर से उपयोग करने वाले हैं। तो देख सकते हैं ये गेंदरा है जिसको हम लोग गाँव में किया था, या गेंदरा कुछ भी बोल सकते हैं, गद्दा भी बोल सकते हैं, पर गद्दा मोटा रहता है, ये बहुत ज़्यादा पतला है। और इसका उपयोग हम लोग खटिया में बिछाने के लिए या चौकी जिसको बोलते हैं, हम लोग गांव में चौकी बोलते हैं, पता नहीं शहर में आप लोग क्या बोलते होंगे, तो उसके ऊपर हम लोग बिछा के रख सकते हैं। आपको भी मेहमान आएगा तो फिर उसके ऊपर बैठ सकते हैं। बोल के तो बोलते भी है तुम कैसे बनाई, हमको भी सिखा, बट हमको जो है माँ सिखाई है इस तरह बनाया जाता है। और माँ ही सबसे पहले ये काम की थी, उसके बाद पीछे पीछे जो हल्का सा काम बाकी है वो हम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं सुई धागा लिए, बस इसमें टाइम चाहिए, बाकी और कुछ नहीं, टाइम मेहनत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसको पार करना है और पूरा कंप्लीट करना है, बाकी हम लोग का कैथा बन के रेडी हो जाए। जो पुराना कपड़ा रहता है ना, पुराना कपड़ा जिसको हम लोग प्रयोग करके छोड़ देते हैं, उससे बनाया गया है। तो पहले छोटा छोटा कपड़ा को चार कोना पीछा से रख दिए थे, उसके बाद दोनों साइड साड़ी है और हम लोग सुई धागा के प्रयोग से पूरा चारों तरफ सिल दिया, उसके बाद फिर बीच बीच में सिलने वाले। इसको अभी उठा नहीं सकते, अगर उठाएंगे ना तो छोटा छोटा कपड़ा रहता है ना वो सब इधर उधर चल जाएगा और ऊपर खाबड़ हो जाएगा, मोटा पतला हो जाएगा। इसलिए इसको जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये था जो वो यहीं रहेगा। पूरा होने के बाद इसको उठा के फिर से साफ करके धो के इसको फिर से खटिया में इसमें रख सकते हैं, टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। तो बहुत सारा छोटा छोटा कपड़ा इसमें डाला गया है। उसके बाद एक ही साड़ी है, दो साड़ी हम लोग नहीं दिए, एक साड़ी इधर एक साड़ी इधर, और साइड साइड में हम लोग इसको सुई धागा से सिल दिए। अगर आप लोग गांव से होंगे तो पता होगा इसका प्रयोग कैसे करते हैं, मां लोग करती होगी, आप लोग देखे भी होंगे। गांव में अधिकतर हर घरों में यही किया जाता है, ज़्यादा लोग खरीद नहीं पाते हैं ना तो घर में ही पुराने कपड़ों से बनाते हैं। तो हम लोग भी जो है पुराना कपड़ा फेंकते नहीं है, ज़्यादातर प्रयोग में ही लाते हैं। पाँव पोछने के लिए भी कुछ हम लोग बना लेते हैं, पाँव पोछा जिसको बोलते हैं हम लोग, और खरीदते भी हैं लेकिन हम लोग ज़्यादातर घर में ही बना लेते हैं। जो हम लोग इस पर कपड़ा डाले थे वो बचा हुआ कुछ कपड़ा वहाँ पे रख दिए, और इस कपड़ा से हम लोग कुछ भी पोछने के लिए भी, घर पोछाई के लिए भी हम लोग इस पुराना कपड़ा का प्रयोग करते हैं। मेहनत लगता है क्योंकि कपड़ा एक टाइप का नहीं रहता है, कोई कपड़ा मोटा रहता है, कोई कपड़ा जींस का कपड़ा भी हो सकता है, कोई सूती का कपड़ा, कोई अलग अलग प्रकार का कपड़ा यहाँ पे डाला गया है। क्योंकि तो जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मोटा कपड़ा है तो इसको सिलने में हार्ड लगता है, मतलब ज़्यादा मेहनत लगता है, फिर सिलते सिलते हम लोग का आदत बन जाता है। उसके बाद हम लोग इसको अच्छा तरह सिल लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा पूरा कम्प्लीट होने के बाद हम लोग का जो ये बन के रेडी हो जाता है तो दिखने में भी अच्छा लगता है। और इसको हम लोग जैसे सिए और इससे भी डिजाइन सिला जाता है, लेकिन हमको उतना आता नहीं है, माँ को सब आता है लेकिन माँ अभी घर पे नहीं है फिलहाल, तो हम ही कर रहे हैं। व्हाइट कलर का जो धागा है ये धागा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इसीलिए इसको गेंदरा या केथा टिपने में भी प्रयोग किया जाता है। और ये जो धागा देख सकते हैं ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का है, ये जो हल्का सा पतला रहता है इसको जो फटा हुआ जगह में सिल सकते हैं, और ये जो है सिर्फ इसी के प्रयोग में लाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको ब्लेड के प्रयोग से ही तोड़ सकते हैं। मेरा तो उतना ताकत नहीं है इसलिए हम ऐसे तोड़ नहीं पाते, और ये यहाँ पे ब्लेड रखा गया है इस धागा को तोड़ने के लिए। और ये जो कमज़ोर रहता है तो इसको ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं ये कमज़ोर रहता है इसलिए इसको गेंदरा बनाने के प्रयोग में नहीं लाया जाता है। हम लोग का घर है सिर्फ व्हाइट कलर का ही धागा है, माँ अभी मार्केट गई नहीं है, माँ अगर मार्केट जाएगी तो रंग बिरंगे के बहुत सारे धागे ले आएगी, ताकि ये जो बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा खूबसूरत दिखे, और इसका डिजाइन भी अलग अलग प्रकार का बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो हम लोग इस पर ना अपना नाम भी लिख सकते हैं, नाम लिखने का भी एक तरीका रहता है, वो माँ को पता है हमको नहीं पता, नहीं तो इसमें हम लोग अपना नाम लिख के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, तो दे सकते हैं छोटा सा बना के जो दुल्हा दुल्हन पर बैठाया जाता है, हम लोग घर में ही बना सकते हैं, वो बहुत अच्छा डिजाइन से अच्छा कपड़ा से। शादी में जो है हर चीज़ नया लगता है, शुभ काम होता है, इसलिए हम लोग नया कपड़ा का भी बना सकते हैं अच्छा से डिजाइन करके, और उस पर हम लोग नाम लिख के भी गिफ्ट कर सकते हैं। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोग गांव से होंगे तो जानते होंगे इसका प्रयोग कैसा किया जाता है, और शहर से अगर होंगे तो आप लोग जान लेंगे कि इसका प्रयोग कैसे होता है। आप लोग भी घर पर प्रयोग करके देख लें,
और जो पुराना कपड़ा है उसको फेंके ना। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।